हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप सीखेंगे कि किसी भी सेट के पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन है तो इसके पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं 2n। लेकिन ये कैसे होता है, आइए देखते हैं। यदि आप पावर सेट ए का लिखना चाहें तो इसका ये मतलब होता है कि सेट ए के जितने भी सबसेट हैं, इंक्लूडिंग नल सेट एंड सेट इटसेल्फ, उनका सेट कहलाता है पावर सेट ऑफ ए। इसका मतलब ये है, पावर सेट ऑफ ए में नल सेट आएगा, उसके बाद वैसे सेट आएंगे जिसके एलिमेंट्स एक हों, सिंगल एलिमेंट वाले सेट, जैसे 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू एन, ठीक है। इसके बाद दो एलिमेंट वाले सेट आएंगे, फिर तीन एलिमेंट वाले, फिर ऐसे करते करते एन एलिमेंट वाले सेट आ जाएंगे। लेकिन इनकी काउंटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, इसके लिए मैं एक आसान तरीका बताता हूँ। एक्चुअल में आप कर क्या रहे हैं, एन एलिमेंट्स हैं, इनमें से एक बार आप किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, जिसको बाइनोमियल कोफिशिएंट से एन सी जीरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरी बार में आप आउट ऑफ एन एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं, और इसको सिलेक्ट करने का तरीका क्या हो सकता है, एन सी वन वेज। फिर इसी तरह से एन एलिमेंट्स में से एट ए टाइम दो को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो इस तरह से आप करते करते आप सिलेक्ट कर रहे हैं एन एलिमेंट्स आउट ऑफ एन एलिमेंट्स, ठीक है। अब आपको केवल इन बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के सम को ही कैलकुलेट करना है। जो लोग इसको जानते हैं वो डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं 2n th power, लेकिन जो लोग नहीं जानते ये कैसे होता है, मैं उनके लिए ये बता रहा हूँ। यहाँ पे यदि मैं लिखूँ 1 plus x to the n, इसकी वैल्यू आती है एक्सपेंडेड फॉर्म में nc0 x to the 0 प्लस nc1 x to the 1 प्लस nc2 x square। ऐसे करते करते हम लिख सकते हैं nc n x to the n, ठीक है। यदि मैं इन इक्वेशन में x = 1 पुट कर दूं तो ये कन्वर्ट होता है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, 1 plus 1 विच इज इक्वल टू 2 to the n इज इक्वल टू, अब x की जगह पे 1 हो जाएगा, nc0 plus nc1 plus nc2, एंड ऐसे चलते चलते ncn हो जाएगा। तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के सम अप टू n टर्म्स तक होते हैं 2 to the nth power। इस तरह से आप बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ a इज इक्वल टू 2 to the nth power। यदि कोई आपसे पूछता है कि n of p of a कितना हो जाएगा, इसका आंसर आप कैसे करेंगे, देखिए इसके लिए आप जस्ट एज्यूम कर लीजिए कि p of a भी एक सेट है, जिसको आप ले सकते हैं b इज इक्वल टू p of a। तो अभी आपने देखा n of b ये कितना हो जाएगा, n of p of a के, जो कि इक्वल है कितने के, इक्वल 2 to the n। यदि आप p of a की जगह पे b से रिप्लेस कर देंगे तो आ जाएगा n of p of b, और आपको पता है कि ये आता है 2 to the b के जितने भी एलिमेंट हैं उनको हम एक्सपोनेंट पे रख देते हैं, और यहाँ पे हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया कि एक 2 to the n है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 to the n। यदि आपको किसी भी सेट के पावर सेट को लिखने में कोई डिफिकल्टी आ रही है तो उसके लिए मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया हूँ, जो आपके स्क्रीन पे राइट हैंड साइड में दिख रहा है, आप यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। मैंने इसमें बाइनरी सिस्टम का यूज किया है।